आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 13 अप्रैल हो गई है और ये सुबह का वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि अगले 2-4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा। ये तो आपने देखा होगा कि कल राजस्थान में भी बारिश हुई है और जो मध्य भारत है वहाँ तो बारिश हो ही रही है और काफ़ी अच्छी बारिश कई इलाकों में देखने को मिली है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है पहाड़ों पर, इंडियो साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन गया है पाकिस्तान और उत्तरी राजस्थान के ऊपर। एक तरफ है जो राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक आ रही है और एक तरफ है जो महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक पहुंच रही है। दोनों सागरों में विपरीत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बने हुए हैं। तो पहाड़ों पर आज से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा और निचले इलाकों में हल्की बारिश और मॉडरेट शावर्स भी कुछ इलाकों में हो सकते हैं। तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में एक दो स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। और आज 13 तारीख से ही जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अगर हम मॉडल के हिसाब से देखते हैं तो जो मॉडल दिखा रहा है उससे आप देखेंगे कि 13 तारीख को पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के कई जिलों में, खास करके जो फिरोजपुर, तरन तारण, अबोर, फजलिका और जो बाकी इलाके हैं, ये खन्ना वगैरह, ये सारे इलाके, पठानकोट, अमृतसर, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। पटियाला वगैरह में भी है और कई इलाके बारिश देखेंगे। उत्तरी जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी जो हरियाणा है यहाँ पर भी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें दिखने की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली में हल्के फुल्के बादल छाएंगे, एक दो स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और उसी तरह से राजस्थान की बात करें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और ये जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, यहाँ पर पूरे इलाके में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी। लेकिन दक्षिणी जो इलाके हैं जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वगैरह, यहाँ का मौसम थोड़ा सा अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भी चांसेज हल्की बारिश के लग रहे हैं। गुजरात में बादल वगैरह छाएंगे लेकिन बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इनिशियल पीरियड में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर आज हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई इलाके, ग्वालियर संभाग में हल्की बारिश होगी, लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश है जैसे कि डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर, देवास और ये भोपाल है, सागर है, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। उसी तरह नागपुर, अकोला, अमरोती, ये जो इलाके हैं ये महाराष्ट्र में और जो मध्य महाराष्ट्र में बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ के कई इलाके बारिश देख सकते हैं। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। लेकिन 14 तारीख को अगर हम देखें तो 14 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी और ये धीरे धीरे जो मध्य उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई देने लगी, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मथुरा, जो बुलंदशहर वगैरह है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, ये सारे, सहारनपुर वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। ग्वालियर संभाग में बारिश बढ़ जाएगी और उसी तरह से जो राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। केरल वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और अगर हम देखें तो आज जो है वो जो इंटीरियर कर्नाटका है और जो तमिलनाडु के कुछ इलाके, अंदरूनी इलाके, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये 14 तारीख है। और अगर 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख में भी जो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, दिल्ली के साथ साथ बारिश देख सकते हैं। तो ये 15 तारीख तक का जो वेदर है कई इलाकों में रहेगा और 14-15 तारीख को जो गुजरात के कुछ इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ हमें नजर आ रही हैं। अगर देखें तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये जो गुजरात है यहाँ पर अगर देखें तो रन ऑफ कच्छ में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। यहाँ से लेकर के ये जो पूरा इलाका है, यहाँ से ये बनसकांठा, सबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी और भावनगर, ये अरवली, महीसागर, बड़ोदरा, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो भी बारिश होगी वो खंड वर्षा होगी, थोड़ी देर के लिए होगी, तेज हवाएं भी चल सकती हैं कुछ इलाकों में, यानी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका हमें दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आज महाराष्ट्र में तो बारिश की गतिविधियां मध्य महाराष्ट्र में होंगी, कल से फिर से ये विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र की तरफ चली जाएंगे और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में रहेगी। लेकिन सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ये सारे इलाके एक बार फिर से सूख जाएंगे। इस तरह का मौसम रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, ऊपरी वाले पश्चिम बंगाल में ही रहेगी। और उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम,
ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश होगी, बाकी इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देने वाली है। दक्षिण भारत में जैसे मैंने बताया था, इंटीरियर कर्नाटका, केरला, अंदरूनी तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ इलाके ही बारिश देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बिहार, झारखंड और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि अगर हम देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर, तो ये बाराबंकी, लखनऊ तक और रायबरेली, अमेठी तक बारिश होगी और अयोध्या तक भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। लेकिन कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, ये अम्बेडकर नगर, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। और उसी तरह से बिहार का ज़्यादातर इलाका सूखा रहेगा, हल्के फुल्के बादल छाएंगे, बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जैसे राजस्थान में मैंने बताया कि शुरुआती दौर में राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे, उसके बाद दक्षिणी जो भाग है वो थोड़े से कम हो जाएंगे बारिश। लेकिन 14 तारीख को एक बार फिर से, 14 और 15 तारीख को जालौन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, ये सारे इलाकों में छुटपुट खंड वर्षा दिखाई देने वाली है। यानी कि 15 तारीख तक जो वेदर है कई राज्यों का थोड़ा सा खराब रहेगा, ओले भी कई इलाकों में गिर सकते हैं और तापमानों में गिरावट होगी। लेकिन 15-16 तारीख के बाद से फिर से तापमान बढ़ने लग जाएंगे और वेदर साफ होने लग जाएगा। अगला जो स्पेल है वो ऐसा लग रहा है कि 21-22 तारीख को फिर से मध्य भारत और कई राज्यों में शुरू होगा। उसके बारे में हम नजर रखे हुए हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।